ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलेन। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिन्हें 2020 में अप्लाई तो किया था लेकिन उन्हें 5000 रुपये के अंत में क्रेडिट नहीं किया गया था। 2020 में उन लोगों ने अप्लाई नहीं कर पाया था। जिन लोगों को 2020 में पैसे मिल गए थे उन्हें 2021 में भी पैसे मिल गए हैं। यदि नहीं भी मिला है तो कल तक के डेट में आप लोगों के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे यदि 2020 में नहीं मिला था तो आप लोगों को क्या करना है और कैसे अप्लाई करना है। यदि अप्लाई करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आप लोगों को करना क्या है, सिंपल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको लिंक पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले मैं आपको लिंक पर क्लिक कर लेते हैं। यदि हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जा रहा है, यानी कि ये जो सर्वर जो है पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। यानी कि दिल्ली सहायता योजना की तरफ से जो लिंक को अपडेट किया गया है, इस सर्वर पे काफ़ी ज़्यादा लोड होने के कारण ये सर्वर पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा है और ये काफ़ी ऐसे ऑटो चालक है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है और वो लोग सोच रहे हैं आखिर हम अप्लाई करें तो कैसे करें। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये सर्वर पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है कि सर्वर पर जैसे ही लोड कम होगा तो ये सर्वर पूरी तरह से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो कल के डेट में आपको ट्राई करना है, देखना ये सर्वर वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। यदि वर्क करता है तो आप लोग फिर से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए यहाँ पे टाइम दिया जाएगा तो आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने क्योंकि पिछले वीडियो में आपको बताया था यदि सर्वर को अपडेट किया भी जाता है तो ये सर्वर क्रैश हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए, क्योंकि सर्वर पर इतना ज़्यादा लोड होगा ये सर्वर पूरी तरह से वर्क ही नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा आखिर में सर्वर क्यों वर्क नहीं कर रहा है।